नमस्कार, एमकेएन की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। खास खबर की शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां जलियांवाला बाग स्मारक के अब नए परिसर का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे करेंगे उद्घाटन, वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो खबर बता रहे हैं हम आपको दिल्ली से, जहां जलियांवाला बाग स्मारक के नए परिसर का होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे इसका उद्घाटन करेंगे, साथ ही वर्चुअल माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी इसमें जुड़े रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के कई नेता इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही साथ यहां पर जो स्मारक है उसमें नए परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। शाम 6 बजे इसका उद्घाटन होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही साथ जलियांवाला बाग स्मारक के तमाम इतिहास के उन पन्नों को भी खोला जाएगा, जिसके चलते इस स्मारक की स्थापना यहां की गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नए परिसर के उद्घाटन का, इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी इस पर भी अपना संबोधन देंगे और वर्चुअल माध्यम से क्या कुछ बातें कहेंगे हम आपको पहुंचाएंगे। खबर दिल्ली से, जहां आज से 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे अमित शाह। गुजरात के दौरे पर रहेंगे, वहीं सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। खबर बता रहे हम आपको दिल्ली से, जहां आज से 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक, अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि गुजरात जो है वो गृहमंत्री अमित शाह का अपना लोकसभा क्षेत्र है, और इसी के चलते यहां पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए वो दौरे पर रहेंगे। साथ ही साथ सांसदों से लेकर विधायकों के साथ बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि विकास के आधार पर आखिरकार गुजरात में क्या क्या विकास होने की संभावनाएं हैं। आपूर्ति भी वहां पर की जाएगी, अगर किसी विकास को लेकर वहां पर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं तो आपको बता दें कि सांसदों और विधायकों के साथ अमित शाह जो है वो बैठक करेंगे और अपने लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। खबर बता रहे हैं आपको, जहां वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड हासिल किया है भारत ने। जहां शुक्रवार की अगर बात करें यानी कल की, तो एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जा चुका है पूरे भारत देश में। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है, और महाअभियान के तहत जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन का लाभ उठाया है उसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने सबको बधाई दी। उनका कहना है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन के महाअभियान में लोगों का साथ मिल रहा है, जनता बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन के अभियान में हिस्सा ले रही है, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि पहले के मुकाबले अब वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में ज्यादा प्रेरणा देखने को मिल रही है। और यही एक कारण है कि एक दिन में, मात्र एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन इस दौरान किया गया है। भारत का वैक्सीनेशन में नया रिकॉर्ड बन गया है, जिसके चलते अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुश होकर लोगों को बधाई दी, ट्वीट कर बधाई दी, और महाअभियान में जिस तरीके से लोगों ने हिस्सा लिया उसको भी काबिले तारीफ बताया। खबर बता रहे हैं काबुल से, जहां अब अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी सेना ने दिया काबुल ब्लास्ट का जवाब। अमेरिका सेना ने आईएस आतंकियों के खिलाफ की एयर स्ट्राइक। नांगरहार पर आईएसआई के ठिकानों पर अमेरिका ने हवाई हमला किया। अमेरिका ने साजिशकर्ता को भी मार गिराने का दावा किया है। जी हां, आईएसआईएस पर अमेरिका का ड्रोन से हमला। आपको बता दें कि कल परसों यहां पर कई हमले किए जा चुके हैं, और हमले के बीच यहां पर 13 जो थे अमेरिकी जो सैनिक थे उनके मारे जाने की खबर आई थी। इसके अलावा 100 जो स्थानीय अफगानिस्तान के लोग थे उनके भी मारे जाने की खबरें सामने आई थी, जिसके चलते बदला लेने के लिए यहां पर एयर स्ट्राइक किया गया है। जो यहां अमेरिका सैनिक द्वारा यहां पर स्ट्राइक किया गया, जिसके चलते आईएस आतंकियों के खिलाफ यहां पर हमला किया गया है। आईएसआई के ठिकाने पर अमेरिका ने हवाई हमला किया, जिसमें साजिशकर्ता को मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। आईएसआईएस पर अब अमेरिका का ड्रोन से हमला। अमेरिका सेना ने काबुल ब्लास्ट का जवाब दे दिया है, जिसके चलते अब आईएस आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक के मामले में अब साजिशकर्ता को भी मार गिराने का दावा किया जा रहा है।
खबर बता रहे हम आपको, जहां अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट का जवाब दिया है। अमेरिका सेना ने आईएस आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक किए हैं, जिसके चलते नांगरहार पर आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिका ने हवाई हमला किया है, जिसमें साजिशकर्ता को मार गिराने का भी दावा किया जा रहा है। खबर दिल्ली से, जहां अब दिल्ली की बात करें तो सोनिया गांधी और हरीश रावत के बीच बैठक हुई है। बैठक के बाद बाहर आकर बोले पंजाब के प्रदेश प्रभारी, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरे हालात पर रिपोर्ट दे दी है, पंजाब के बारे में फैसला कांग्रेस अध्यक्ष ही करेंगे। तो आपको खबर बता रहे हैं दिल्ली से, जहां सोनिया गांधी और हरीश रावत के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद आकर पंजाब के प्रदेश प्रभारी का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने अपने बयान पर कहा है कि मैंने पूरे हालात पर रिपोर्ट दे दी है, पंजाब के बारे में फैसला कांग्रेस अध्यक्ष ही करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले पंजाब में काफी राजनीतिक घमासान मचा हुआ था, जिसके चलते कई जो पार्टी के नेता है, खुद अमरिंदर कैप्टन जो अमरिंदर सिंह है वहां के सीएम है, उनके खिलाफ विरोध में उतर आए थे और उनसे पद से हटाने का भी दावा किया जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके यहां पर एक मीटिंग रखी गई, जिसमें विपक्षी के जो नेता हैं, जो उनके खिलाफ है, उनके लिए ये मीटिंग विशेष तौर पर रखी गई थी। और इस मीटिंग में प्रदेश प्रभारी जो है उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और पूरे हालात पर रिपोर्ट भी दे दी है, जिसके बाद अब फैसला आने का इंतजार किया जा रहा है। खबर गोरखपुर से, जहां अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी दौरा। आज से दो विश्वविद्यालय को सौगात देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। आयुष विश्वविद्यालय का भी करेंगे शिलान्यास। तो आपको बता दें कि लगातार विकास कार्यों को लेकर बीजेपी अग्रसर है, इसी के चलते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी यूपी दौरा है। चाहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ले लो या फिर गृह मंत्री अमित शाह को, जिस तरह से गृह मंत्री 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर है विकास के लिए, तो इसी के चलते गोरखपुर में भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यूपी दौरा है और दो विश्वविद्यालय को वो सौगात देंगे। आयुष विश्वविद्यालय का भी वो शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें कि विकास के चलते अब तमाम बीजेपी के नेता जगह जगह अपने क्षेत्र में, यानी कि लोकसभा क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, और इसी के चलते यहां पर अब विश्वविद्यालय की सौगात देने की भी बात कही जा रही है, जिसमें आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, चूंकि उनका 2 दिवसीय जो है यूपी दौरा रहेगा। इस बीच वो कई सौगातें यूपी को दे सकते हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही। चीन की सीमा तक पहुंचाने वाली ऑल वेदर रोड बह गई है। 57 साल पुराना ब्रिज भी ढह गया। बारिश है देहरादून समेत 7 जिले जो है वो बारिश के चलते जलमग्न हो चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में मलबा और बारिश का पानी घुस गया है। नदियों के किनारे लगभग 150 गांव जो है वो अब बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। तो आपको खबर बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां भारी बारिश से अब तबाही मची हुई है। चीन की सीमा तक पहुंचाने वाली ऑल वेदर रोड भी बह चुकी है। 57 साल पुराना ब्रिज भी ढह चुका है। हर साल, इस साल ही नहीं बल्कि हर साल उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तबाही देखने को मिलती है। तो वही प्रशासन भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है और तमाम जो नदियों के किनारे बसे लोग हैं, लगभग 150 लोग हैं, उनको भी वहां से शिफ्ट करने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि 150 गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में प्रभावित हो रहे हैं, जिसके चलते यहां पर प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है और तमाम लोगों को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जारी है। खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली की बात करें तो अब देश में तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन। देश ही नहीं बल्कि दिल्ली ले लो या फिर तमाम ऐसे राज्य और ऐसे प्रदेश जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर महाभियान चलाया जा रहा है, उसके चलते अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वैक्सीनेशन केंद्र पहुंच रहे हैं और वैक्सीन का लाभ उठा रहे हैं। 27 अगस्त की बात करें तो 93 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। पिछला वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी टूट गया है। जी हां, महावैक्सीनेशन अभियान की जिस तरह से जांच की जा रही है, उस जांच में ये पता चला है कि पहले के मुकाबले इस बार
वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड टूट चुका है क्योंकि 27 अगस्त को 93 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई है। देश में तेजी से वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो अब बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि अब लोग भी जागरूक हो गए हैं और जागरूकता के अभाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन केंद्र पहुंच रहे हैं और वैक्सीन का लाभ उठा रहे हैं। आसपास के लोगों को भी यहां पर प्रेरित किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान या फिर पीएम नरेंद्र मोदी को ले लो, किसी भी नेता को ले लो, सब अपने अपने दम पर वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूकता का अभाव इस कदर हो चुका है कि 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन तो पूरे भारत देश में लग चुकी है, लेकिन हाँ अगर 27 अगस्त की बात करें तो 93 लाख से ज्यादा वैक्सीन लग चुकी है और पिछला वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। खबर बता रहे हम आपको, जहां अब लगातार हो रही बारिश के चलते नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी मार, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, भारत ने नेपाल को राहत सामग्री भी भेजी है। आपको बता दें कि नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी मार वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिसके चलते हालात बहुत ज्यादा बदतर बने हुए हैं नेपाल में। और भारत ने इसी बीच मदद का हाथ बढ़ाया है, राहत सामग्री भी भारत ने नेपाल को भेजी है और साथ ही साथ आगे भी अगर किसी तरीके की उनको जरूरत होती है तो उसमें भी उनकी मदद करने की बात भी कही गई है भारत द्वारा, क्योंकि नेपाल की स्थिति को देखते हुए तमाम देश अब नेपाल की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले भारत ने आगे आकर राहत सामग्री भेजी और मदद का हाथ बढ़ाया और ये भी कहा कि अगर आगे चल के आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप भारत देश को याद करें। खबर मध्य प्रदेश से, जहां 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल। 1 सितंबर से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, 50% क्षमता के साथ क्लासेस लगेगी, कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना अनिवार्य होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां अब प्रदेश के कई जिलों में 6वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोलने की यहां पर अब ऐलान कर दिया गया है, फैसला ले लिया गया है, क्योंकि इस फैसले के चलते लेकिन तमाम गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी होगा, क्योंकि 50% क्षमता के साथ ही यहां पर क्लासेस लग सकेगी, कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। 1 सितंबर से 6वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल जो है उनको खोलने के यहां पर फैसला लिया गया है, लेकिन 6वीं से नीचे यानी कि अगर 5वीं तक के बच्चे जो हैं 5वीं तक की क्लास पढ़ते हैं उनके लिए फिलहाल स्कूल खोलने की कवायद नहीं है, लेकिन हाँ कोविड गाइडलाइन का पालन इस दौरान 6वीं से 12वीं तक के स्कूल में बच्चों को करना पड़ेगा और साथ ही साथ इस बीच 50% क्षमता के साथ ही क्लासेस लगाने का फैसला लिया गया है। खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां हमीदिया अस्पताल में शुरू हो रहा है किडनी ट्रांसप्लांट, आज हो सकता है पहला किडनी ट्रांसप्लांट। हमीदिया अस्पताल में तैयारियां पूरी, लगातार यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किया गया है कि अब हमीदिया अस्पताल लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर तरक्की कर रहा है। और इसी बीच आपको बता दें कि किडनी ट्रांसप्लांट का भी यहां पर अब इलाज किया जाएगा, जिसके चलते यहां पर पहला किडनी ट्रांसप्लांट होगा और हमीदिया अस्पताल में इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रॉपर वो डॉक्टर यहां पर बुलाए गए हैं जो एक्सपर्ट्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट के, चूंकि एक सेंसिटिव यहां पर क्रिया बताई जाती है किडनी ट्रांसप्लांट की, तो रिस्क नहीं ले सकते, तमाम सुविधाओं के चलते यहां पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि हमीदिया अस्पताल में ये पहला किडनी ट्रांसप्लांट होगा, जिसके चलते अगर ये सफल हुआ तो आगे भी हमीदिया अस्पताल की उन लोगों को चाह बढ़ जाएगी जिन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। और हमारे अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस तरीके से फिर से किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमीदिया अस्पताल में सक्सेसफुल हो जाता है ये, तो कहीं ना कहीं मरीजों को भी परेशानी नहीं होगी। तो खबर बता रहे हम आपको, जहां अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमीदिया अस्पताल की बात करें तो अब वहां आज से किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होगा, लेकिन हाँ आज पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिसमें तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं।
खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पीबी की 3 परीक्षाएं निरस्त। पेपर लीक होने के चलते परीक्षा निरस्त करने का लिया गया है फैसला। राज्य सरकार ने परीक्षा निरस्त करने का फैसला लिया है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। साइबर सेल को भी मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है। बच्चों की शिकायत पर ये जांच कराई गई थी। ऑनलाइन सिस्टम हैक पर प्रश्न पत्र लीक हुआ था, कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है इसमें। ये गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है कि इसमें कर्मचारी की कोई संलिप्तता नहीं है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कृषि विस्तार से लेकर यहां नर्सिंग भर्ती की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई है। पीबी की परीक्षाओं को निरस्त करने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पर ऑनलाइन सिस्टम को हैक करने का मामला सामने आया था और प्रश्न पत्र भी यहां पर लीक होने की बात कही गई है। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की परीक्षा से लेकर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग भर्ती की परीक्षा, यानी कि 3 परीक्षाओं को यहां पर रद्द कर दिया गया है। पीबी की 3 परीक्षाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। बच्चों की शिकायत पर ये फैसला लिया गया। साथ ही साथ यहां पर आगे की रणनीति में ये तय किया जाएगा कि इसकी डेट कब यहां पर उजागर की जाती है और कब इसकी डेट फिक्स की जाती है, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भी परेशानी ना हो। खबर बता रहे हम आपको, जहां अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि अब पीबी की परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। साइबर सेल को इस मामले में जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है कि वो जांच करे कि आखिरकार ऑनलाइन सिस्टम कैसे हैक हुआ, और प्रश्न पत्र लीक होने के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है, ये कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। खबर जहां मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे खंडवा दौरे पर, 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण का करेंगे भूमि पूजन। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से भी करेंगे संवाद। खबर बता रहे हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा दौरे पर रहेंगे और 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण को लेकर वो भूमि पूजन करेंगे। पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे, साथ ही साथ रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण का भूमि पूजन तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद करेंगे कि आखिरकार उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है, कोई समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ा, क्योंकि कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कि पीएम आवास योजना के चलते हितग्राहियों को उसका लाभ नहीं मिला है, बल्कि अपात्र लोगों को उसका लाभ मिला है। पैसों के दम पर ये कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके चलते जो सीएम है वो अब पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आनंद बुंदेला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? चूंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा दौरे पर रहेंगे, यहां तक कि वो आवास निर्माण का भी भूमि पूजन करेंगे, पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से भी संवाद किया जाएगा। जी मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा प्रोटोकॉल के अनुसार जारी हुआ है, उनके अनुसार 12:15 पर खंडवा पहुंचेंगे केंद्रीय महाविद्यालय स्टेडियम ग्राउंड पर। जी वो उनके मुख्यमंत्री जी चौहान करेंगे प्रधानमंत्री आवास शहरी विकास के संवाद से। जी आनंद, क्या आप कुछ, आनंद जी से हमारा संपर्क टूट चुका है तकनीकी खराबी के चलते, तो आपको बता दें कि आज से खंडवा के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, 50,253 हितग्राहियों के आवास निर्माण का भूमि पूजन किया जाएगा, वहीं पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से भी संवाद करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहां पर आगे की रणनीति को लेकर, पीएम आवास योजना के रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी और तमाम जो 50,253 हितग्राही हैं उनके आवास निर्माण को लेकर होगा भूमि पूजन। खबर इंदौर से, जहां अब आज से 2 शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। जयपुर जबलपुर के लिए फ्लाइट शुरू, 1 सितंबर से ग्वालियर
फ्लाइट भी होगी शुरू। खबर बता रहे हैं हम आपको, जहां अगर इंदौर की बात करें तो यहां दो शहरों के लिए आज से, इंदौर से यानी कि दो शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। जयपुर जबलपुर के लिए यहां से फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी। 1 सितंबर से ग्वालियर फ्लाइट की भी यहां पर शुरुआत होगी। लंबे समय से फ्लाइट को शुरू करने की मांग उठाई जा रही थी, तो आखिरकार फैसला आ चुका है कि अब दो शहरों के लिए फ्लाइट जो है उसकी शुरुआत होगी, और जिसमें जयपुर से लेकर जबलपुर जो है वो इसमें शामिल किया गया है। 1 सितंबर से इसकी सुविधा तमाम उन यात्रियों को मिलेगी जिन्हें जयपुर या जबलपुर के लिए जाना है, क्योंकि फ्लाइटों जो है वो दो शहर के लिए यहाँ पर शुरू करने का फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से ये शुरू होगी, लेकिन बता दें आपको कि इंदौर नहीं बल्कि ग्वालियर से इस जो फ्लाइट है उसकी शुरुआत की जाएगी। जहाँ जयपुर से लेकर जबलपुर के यात्रियों के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि दो शहरों को सौगात मिल गई है दो नई फ्लाइट। खबर इंदौर से, जहां इंदौर में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। जहां एक दिन में मिले डेंगू के 5 नए केस, डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 50। डेंगू के बढ़ते केस से स्वास्थ्य विभाग चिंतित। कोरोना के बाद इंदौर में डेंगू का कहर, क्योंकि लगातार डेंगू के अगर मरीज आएंगे तो कोरोना के मरीजों पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, और इसी बात को लेकर वहां पर अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो चिंतित नजर आ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर हुआ था, लेकिन जब डेंगू एक बार आ चुका है इंदौर में तो फिर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी चिंता जताने लगा है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। डेंगू के मरीजों को अलग से वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है, उनकी देखरेख की जा रही है, और साथ ही साथ स्वच्छता के तौर पर भी उनका इलाज किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द डेंगू के मरीज ठीक हो। और लगातार बढ़ते इस डेंगू के चलते यहाँ पर और मरीज संक्रमित ना हो, जिसके चलते वहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां सीएम भूपेश बघेल लौटेंगे रायपुर। दिल्ली से रायपुर वापस आएंगे सीएम भूपेश बघेल। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से लौटने की बात कही जा रही है। वहीं अगले हफ्ते राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ आएंगे। 2 दिन बस्तर में ही रहेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को न्योता दिया था, आने का निमंत्रण दिया था कि वो छत्तीसगढ़ आए, जिसके चलते राहुल गांधी मान चुके हैं। और 2 दिन के बस्तर दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे, जिसके चलते यहां पर तमाम उन रणनीति को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में फिलहाल राजनीति को लेकर घमासान मचा हुआ है। हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर छत्तीसगढ़ में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने दाव पेच खेल रही हैं, और इसी के चलते यहां पर सीएम भूपेश बघेल 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर बातचीत करने के लिए दिल्ली रवाना हुए थे, लेकिन आज उनका वापसी दौरा है। हाँ, वापस वो छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी में आएंगे, और साथ ही साथ 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि वो रायपुर लौटेंगे। अगले हफ्ते राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ आएंगे और 2 दिन बस्तर में ही रुकेंगे राहुल गांधी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, चूंकि सीएम भूपेश बघेल आज वापस आ रहे हैं रायपुर, और इस बीच क्या कुछ लगता है, ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं जिसको लेकर चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पहुंचने वाले हैं, इसके रूपरेखा तैयार कर ली गए हैं। इसके अलावा जो शक्ति प्रदर्शन है उसकी भी बात कही जा रही थी, और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो पहुंचने का समय है वो 2:45 में है। उसके बाद फिर एयरपोर्ट से सीधा अपने मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना होंगे। इससे पहले अगर बात की जाए, शक्ति प्रदर्शन काफी ज्यादा एक पहले भी मुद्दा रहा है और अब भी यही मुद्दा उठ करके सामने आ रहा है। लगातार भूपेश बघेल और उनके जो कार्यकर्ता है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा जो और अन्य जो टीएस नेता के जो पक्ष में रहने वाले हैं उनके खासा नाराजगी भी व्यक्त किया गया है। इसके अलावा आखिर 2.5 साल का मसला नहीं है तो शक्ति प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता, तमाम तरह के जो सवालात है वो मन में उठते जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के आने के जो संकेत है वो काफी ज्यादा मिलते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक योजनाओं पे काम करने जो प्रविष्टि है तो उसको देखते हुए इस तरीके से योजनाबद्ध काम किया गया है, और आगे तक किस तरीके से इसमें निर्णायक फैसला लिया जाएगा ये तो वक्त ही तय कर पाएगा। आखिरकार जो 2.5 साल का फॉर्मूला है अब तक के इसमें सस्पेंस बना हुआ है। राजकुमारी जी, अखिलेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि सस्पेंस तो है वाकई में, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं बल्कि उन जनता के लिए भी, क्योंकि जो जनता
सीएम चुनते हैं, आखिरकार ढाई साल में जब वो परिवर्तन उसमें आता है तो क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, क्या कुछ फैसला आगे की रणनीति में तय किया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो खबर आपको बता दें कि आज रायपुर वापस लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल और दो दिन बस्तर में राहुल गांधी का भी दौरा रहेगा, अगले हफ्ते राहुल गांधी आ सकते हैं। और फिलहाल के लिए हमारे साथ की खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एमकेएन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।